ठीक है, तो हाँ ओके। तो कल हमने क्या देखा था, जब हम लोग वैल्यूज स्टोर कर रहे थे एक्स में वाई में, वी आर जस्ट पुटिंग इन वन वन वैल्यूज। अब क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया? वी आर जस्ट पुटिंग इन वन वन वैल्यूज, राइट? नाउ टुडे वी विल सी इफ आई वॉन्ट टू पुट मोर देन वन वैल्यू इन अ पर्टिकुलर वेक्टर और इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो हम लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्स में मुझे तीन वैल्यूज डालने हैं। लेट सपोज शिवांगी, आयुषी, ठीक है, ऐसे। एंड इफ आई रन दिस, रन करने से देखो क्या हुआ, इट सेज दैट देर इज अ अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, कि आप ये तीन वैल्यू साथ में कैसे डाल रहे हो, वो ले नहीं पा रहा। तो यहाँ आता है नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज वेक्टर्स, ठीक है, विच इज नोन एज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज। एंड हाउ डू वी स्टोर इट, वी यूज अ सी फंक्शन। सी लगा देंगे खाली यहाँ पे एंड इसको रन करेंगे। तो देखो कैसे इसको इसको रीड कैसे करते हैं, देखना। लिखा हुआ है एक्स, सी एच आर स्टैंड फॉर कैरेक्टर वेरिएबल। एक्स में कैरेक्टर्स डाले ना सारे, 1 से 3, मतलब इसमें 3 वैल्यूज हैं एंड दीज वैल्यूज आर शिवांगी, आयुषी, निशा। अब इसको कैसे आप देख सकते हो कि एक्स में क्या है, आप सिंपली एक्स करो, इसको रन करो। तो देखो जितने इसके कॉम्पोनेंट्स है वो आ गए। आप इसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है, वेक्टर है, 3 एलिमेंट्स है। क्या 3 एलिमेंट्स है ये? आप इसका, अरे कौन है ये, क्लास से निकल जा, दूसरी बार कर रहे हो तुम आज क्लास में। लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स क्या आ रहे, 3। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ ऑफ एक्स, कितने एलिमेंट्स है, करेक्ट, इफ यू वांट टू चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग वेक्टर कैसे बोलते हैं देख लो, हम लोग चेक कर सकते हैं दैट वेदर इट्स अ वेक्टर, इज नॉट वेक्टर, इज क्या आ रहा है, ट्रू, बिकॉज यस इट्स अ वेक्टर। क्या ये न्यूमेरिक है, क्या ये न्यूमेरिक है, फॉल्स। बट इसका करोगे इज डॉट कैरेक्टर तो क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर वेक्टर, कैरेक्टर वेरिएबल। सो जैसे कल हम लोग एक्स में खाली एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, यहाँ आप लोग मल्टीपल वैल्यूज एक बार में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज करते जाओ, लिखते जाओ। विजिबल है क्या पीछे, नीचे कंसोल विजिबल नहीं है ना? फिर भी मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर str इज अ फंक्शन टू सी द स्ट्रक्चर। ए तुम ईयरफोन्स क्यों लगा रखी हो क्लास में, क्या वीडियो, और तुम CM1 में हो क्या? अच्छा तुम लोग सब CM1 में पीछे, तभी तुम लोग एकदम क्लास डिस्टर्ब मत करो मेरा, वरना तुम लोग को डिस्टर्ब कर देंगे। तुम लोग अभी टेस्ट दे देता 1 घंटे। अच्छा साथ में दोगे क्या, अच्छा साथ में देके क्या होगा फिर, अच्छा क्यों, अलग भी ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है दिया? यू कैन डू दैट और यू कैन मेक अ न्यू स्क्रिप्ट, इट्स योर विश।
आपकी आपका लैपटॉप, आपका आर प्रोग्रामिंग, आपका आर स्टूडियो, जो करने करो। क्लियर? यू आर नॉट देयर ना यस्टरडे, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? आगे आ जाओ, शी विल हेल्प यू। कल क्यों नहीं आए? ठीक है, चलो। पर वो क्लास कर लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, आर स्टूडियोज का डाउनलोड करा दो तो फिर खोल के करो ये वो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर बन गया। अब लेट्स से सपोज मुझे ना ऐसा वेक्टर बनाना है, वाई कर लेते हैं, जिसमें ना मैं क्या, आईश इतना बात नहीं करना है, देखो समझ जाएगी वो खुद से। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग इन 23, 24, 26, ठीक है, ये डाला। अब ना क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये सारे क्या है, नंबर्स हैं, है ना? अब इसको अगर हम रन कर लें तो इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिक आ रहा है, 1 से 3, 3 इसमें वैल्यूज है। इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, जिसमें मैं डाल देती हूँ 25 इन कोट्स, द मोमेंट यू पुट 25 इन कोट्स, दिस इज अ वॉट, दिस इज अ कैरेक्टर वैल्यू, इट बिकम्स अ कैरेक्टर, दीज आर वॉट, नंबर नंबर एंड दिस इज अ कैरेक्टर। सो वंस यू रन दिस, इट बिकम्स द एंटायर वेक्टर बिकम्स अ कैरेक्टर वेक्टर। व्हाई? बिकॉज अ वेक्टर कैन हैव ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा, यू कैन नॉट हैव नंबर एंड यू कैन नॉट हैव कैरेक्टर, यू कैन नॉट हैव लॉजिकल, यू कैन नॉट हैव कॉम्प्लेक्स टूगेदर, जो भी रहता है वो एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नंबर कैन इजिली बी कन्वर्टेड इन टू कैरेक्टर, बट कैन कैरेक्टर भी कन्वर्टेड इन टू नंबर? आप लोग बोलोगे इन्होंने कोट्स हटाया क्यों नहीं यहाँ पे, ये कोट्स हटा के इसको नंबर बना सकते थे, बना सकते थे ना, बट क्यों नहीं करा ऐसा? क्यों इन्होंने बाकी सब में कोट्स लगा दिया? देखो वेन यू रन जेड, बाकी सब में इन्होंने कोट्स लगा दिया। वेन यू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ जेड, इट इज दिस। वेन यू चेक दैट इज इट अ कैरेक्टर, इज नॉट कैरेक्टर जेड, इट्स अ कैरेक्टर। तो इन्होंने उसमें, क्योंकि हमेशा आप नहीं कर सकते ऐसा, ऑब्वियसली आर को एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, क्यों हमेशा नहीं कर सकते? आई विल शो यू। इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ 25 आई हैड दिस ओवर हियर, तो अब बताओ क्या अब इसमें से हम लोग कोट्स हटा के इसको नंबर बना सकते हैं? कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने कल क्या पढ़ा था, एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैन बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर, लॉजिकल कैन बी कन्वर्टेड टू, बट कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड ऑलवेज इन दीज केसेस। तो इसीलिए अगर आपके वेक्टर में एक भी कैरेक्टर चला जाता है तो वो पूरा वेक्टर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट सपोज मैं ये लिख रही हूँ, देखना। अब ट्रू क्या है, लॉजिकल है, इसका वैल्यू क्या है, 1, हमने कल लिखा था। तो क्या होना चाहिए, क्या ये लॉजिकल में कन्वर्ट होगा या क्या ये कैरेक्टर में कन्वर्ट, नंबर में कन्वर्ट होगा? लेट्स रन दिस, किस पे कन्वर्ट हुआ, एक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप 23 और 21 को लॉजिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे? बट आप ट्रू को 1, फॉल्स को 0 कर सकते हो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक वेक्टर में वी कैन जस्ट हैव वन सिंगल टाइप ऑफ डेटा, अ वेक्टर कैन हैव ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा। माही दिस इज आर बेसिक्स क्लास 2, कल आर बेसिक्स क्लास 1 था, आज आर बेसिक्स क्लास 2 है, आप वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन डू समथिंग। अच्छा,
जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्स को लिख के रन कर रही हूँ, तो ये वैल्यूज आ रहे हैं। वी ऑल्सो यूज अ फंक्शन कॉल प्रिंट एक्स, हम प्रिंट एक्स करेंगे तो भी उसके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो वाई में मैंने क्या डाल रखा है, ये सारे नंबर्स डाल रखे हैं, है ना। इसका आप मीन निकाल सकते हो। देखो बहुत इजी हो गया, पहले हम लोग मीन निकालने के लिए कल नंबर्स डाल रहे थे अलग अलग, 23, 21 वैसे कर करके। अब आप सिंपली सॉरी मीन ऑफ वाई लिखोगे एंड यू कैन गेट द मीन। आप सम ऑफ वाई लिखोगे, यू कैन गेट द सम। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई लिखोगे, यू कैन गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई एज वेल। तो कैसे क्रिएट करते हैं वेक्टर, सी फंक्शन यूज करते हैं, उसके अंदर इंडिविजुअली एक एक वैल्यू डालते जाते हैं। अनदर वे ऑफ, फिर से बोला, क्योंकि वो चेंज ही हो गया ना। अब तो देखो ना, एक्स को रन करो, वो 1 आई है, तो तुम सम ऑफ 1 करो, ठीक है, 45। हाँ तो फिर तो सारे कैरेक्टर में चेंज हो जाएंगे, नहीं कर सकते। इट्स नॉट लॉजिकल ऑल्सो। सी व्हेन यू आर लर्निंग आर प्रोग्रामिंग, आपका मोटिव क्या है, आप डेटा सेट्स यूज करोगे इसमें, राइट? क्या आपकी एक डेटा में, इज इट मेकिंग सेंस कि 23, 21 ट्रू साथ में होगा? व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल दैट बी? फॉर एग्जाम्पल आप एज का कॉलम बना रहे हो, 23, 21, 25, ट्रू आ गया उसमें, मेकिंग एनी सेंस? नहीं। आप स्मोकर स्टेटस लिख रहे हो, वेदर द पर्सन इज स्मोकर और नॉट, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, 25, मेकिंग एनी सेंस? नो। सो दीज आर वेक्टर्स विच विल बी कन्वर्टेड इन टू कॉलम्स, सो दैट इज वाई इट हैज टू हैव ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा, इट मेक्स योर लाइफ ईजी। मल्टीपल के लिए हम लोग आगे जाके डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, ये क्लियर है? अब अनदर अप्रोचेज या अनदर वे ऑफ हाउ यू कैन मेक अ हाउ यू कैन मेक डेटा वेक्टर्स, लेट्स सपोज आपने उसमें वैल्यूज डाल दी, ठीक है। मैं लिखती हूँ 1 से 30, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 30 सारे वैल्यूज डालने हैं किसमें, अपने वेक्टर में। तो मैं क्या करूंगी, सी फंक्शन यूज करके 1, 2, 3, 4 डॉट 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 30 तक पूरा टाइप करूंगी। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन यूज दिस सिक्वेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। यू कैन यूज दिस सिक्वेंशियल ऑपरेटर, जहां पे आप सीधा इसको रन करोगे तो देखो अब एक्स में देखना, यहाँ पे एक्स को रन करते हैं क्या आ गया, 1 से लेके 30 तक सारा वैल्यूज आ गया, ठीक है। अब ना एक चीज इसमें समझो, आप लोग के उसमें दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे नीचे इधर इस पोर्शन पे, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, मतलब इस 1 के पहले यहाँ पे एक 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 19 दिख रहा है, 19 इस 19 के पहले जो ब्रैकेट्स में, बेसिकली जैसे मैंने आप लोग को सिखाया ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये जो ये वाला ब्लू से नीचे में कंसोल में ये आता है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, और ये जो 1 2 ये 1 19 है, ये आपका एलिमेंट नंबर है, मतलब ये आपका एलिमेंट नंबर 1 है, फिर यहाँ तक 18 गए, फिर यहाँ नीचे से आपका एलिमेंट नंबर 19 स्टार्ट हो रहा है, दैट्स द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ठीक है, वो एलिमेंट नंबर है, वो एलिमेंट नंबर कब काम आएगा और वो क्यों ऐसे, आप अपने लैपटॉप में देखो, वो एलिमेंट नंबर कब काम आएगा, वो क्यों ऐसे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, कि क्यों वो थर्ड ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट में, ठीक है, 1 19 क्यों ये ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में है, ये हम लोग अभी समझेंगे। दिस इज 1 वे ऑफ क्रिएटिंग।
कर सकते हैं, जैसे आप एक्स प्लस वाई कर सकते हो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो वाई है, वाई क्या है, ये है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वाई का स्क्वायर कर दिया, सारे नंबर्स स्क्वायर हो जाएंगे इंडिविजुअली। आपने कर दिया वाई प्लस वाई, एड हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग और सीखेंगे। अब ये चीज अगर मैं ऐसे करती, एक्स में मैं डालती 30:1, तो ये क्या होता, बैकवर्ड्स सारे नंबर स्टोर होते, 30, 29, सो ऑन। ये जो सीक्वेंशियल ऑपरेटर है ना, ये एक्चुअल में पता क्या है, ये एक्चुअल में एक शॉर्टकट है ऑफ अ फंक्शन कॉल सीक्वेंस, SEQ। दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड SEQ, जहां पे आपका SEQ। मैम वाई इज इट इंटीजर नॉट नंबर? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इट इज इंटीजर नॉट नंबर, कैन एनीवन टेल मी? 1 से 30, 30 से 1, व्हेन आई एम राइटिंग लाइक दिस यूजिंग अ सीक्वेंशियल, तो ये नंबर क्यों नहीं है? नंबर कैन बी एनी नंबर, डबल प्रिसिशन, पॉइंट्स में कितने भी नंबर्स आ सकते हैं। तो ऐसे तो 1 से 30 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, बट इंटीजर्स कितने हैं? इंटीजर्स तो उतने ही है, 1, 2, 3। दैट इज आई बाय डिफॉल्ट, इफ यू आर यूजिंग दिस सीक्वेंशियल ऑपरेटर या यूजिंग सीक्वेंस फंक्शन, यू विल गेट अ इंटीजर, नॉट न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स डबल, डबल प्रिसिशन, पॉइंट्स में आएगा सारा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंटीजर है ये, ठीक है। 1 से 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप नंबर बाय डिफॉल्ट लेते, अगर आर बाय डिफॉल्ट नंबर लेता, तो वो तो गलत हो जाता, होता कि नहीं? हाँ बोलो, होता ना, ठीक है। दक्ष, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, इज इट क्लियर? बोलो, ठीक है। तो सीक्वेंस फंक्शन हम लोग देखते हैं, कोई भी फंक्शन जब नया पढ़ते हो ना, जाके हेल्प टैब में बस उसको सर्च किया करो, मेक दिस अ हैबिट। तो सीक्वेंस फंक्शन में क्या क्या होता है, देखो। फ्रॉम टू, मतलब आपको सपोज नंबर्स चाहिए 0 से 10 तक, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। फ्रॉम टू सीक्वेंस, एंड लेट्स से सपोज आपको चाहिए, आपका जो गैप होगा 0, 1, 2, 3 वैसा होगा, तो गैप कितना है, 1, 1 का गैप है, तो बाय इक्वल्स 1 लिखा मैंने। अब वाई को रन करेंगे, इज इट सेम एज राइटिंग 0:10? इज इट सेम एज राइटिंग 0:10? देन वाई आर वी यूजिंग सीक्वेंस? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए होते, तो हम क्या कर देते, बाय को 2 कर देते, तो 0, 2, 4, 6 वैसे आता, अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम सीक्वेंस फंक्शन यूज करते हैं। आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे सीक्वेंस 0, 10, 2 कर दिया। अब देखो ये होगा फ्रॉम, मैंने फ्रॉम लिखा नहीं है, बट वो बाय डिफॉल्ट इसको फ्रॉम मानेगा। ये वाला पैरामीटर हो गया टू, बाय डिफॉल्ट इसको टू मानेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्या आता है, टू। बाय डिफॉल्ट इसको क्या मानेगा, बाय, क्योंकि नेक्स्ट क्या आता है, बाय। फ्रॉम टू बाय, दीज आर इनपुट्स और पैरामीटर्स दैट वी पुट इन विद इन द फंक्शन। रन दिस, देख लो एक बार, सब लोग येस लिख देना अगर यहां तक क्लियर है तो।
स्नैपचैट मत खोलो, व्हाट्सएप भी मत खोलो, कोई बात नहीं, बोलो क्लास में कुछ नहीं, फोन को ऑफ करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट सीक्वेंस 50,1,-2, -2 का क्या मतलब हुआ? 50, 48, -2 कर करके वो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बाय दिख रहा है ना, वैसे एक लेंथ का भी है। देखो लेंथ आउट दिख रहा है यहाँ पे, लेंथ आउट आप अपने में देखो। यू आर शुड गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग हेल्प टैब। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्मार्ट एंड डम। बी द स्मार्ट स्टूडेंट, डोंट बी द डम स्टूडेंट। तो ये लेंथ का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू, मुझे आप लोग, मान लो मैं बोलती हूँ, मुझे आप लोग 1 से 60 के बीच में, 1 से 60 के बीच में आई नीड ऑल द नंबर, आई नीड 40 नंबर्स ओनली। 1 से 60 के बीच में आई नीड 40 नंबर्स ओनली, एंड दीज नंबर्स शुड बी इक्वल इन गैप, लाइक द गैप शुड बी इक्वल बिटवीन दीज नंबर्स। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपली स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 हो गया, ये फ्रॉम हो गया, ये 2 हो गया, है ना? फ्रॉम 1 टू 60। अब आप बाय बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करोगे, सो यू विल यूज अ फंक्शन कॉल लेंथ। लेंथ इक्वल्स 40, दिस नॉट फंक्शन बट पैरामीटर, लेंथ इक्वल्स 40। इसका क्या मतलब है कि लेंथ 40 मतलब आपको 40 के वैल्यूज नहीं, 40 एलिमेंट्स मिलेंगे। लेंथ 40 मतलब 40 एलिमेंट्स मिलेंगे, एंड द वे दे विल कैलकुलेट, देखो द वे दे विल कैलकुलेट, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 60, एंड इफ यू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इट विल बी 40। हाउ? बिकॉज देखो एकदम लेफ्ट में दिख रहा है 1, 6, 11, ये देखो ये 36 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 36 है, तो ये 36 मतलब ये 36 वाला वैल्यू है, 37, 38, 39, और ये हो गया 40, 40 एलिमेंट्स है। अब ये गैप इन्होंने कैसे निकाले? अगर मैं आप लोग को मैथमेटिकली समझाऊं, ये गैप इन्होंने ऐसे निकाले, 60 -1 डिवाइडेड बाय 40 -1। 60 -1, 60 इज द लास्ट वैल्यू, 1 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, डिवाइडेड बाय 40 -1। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 1 को छोड़ के बाकी सारे 39 वैल्यूज हैं, बाकी सारे 39 वैल्यूज हैं, तो 1 को छोड़ के बाकी जो 39 वैल्यूज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो इसको जब रन करेंगे, देखो 1.512 आ रहे हैं, ये गैप एक्चुअली 1.512 का ही है। देखो 2, 1 आया पहले, प्लस 1.512 इज 2.512, प्लस 1.512 गिव्स यू दिस, प्लस 1.512। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू हैव अ बेसिक क्रक्स ऑफ इट, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए बिटवीन 1 से 100 गिव मी 50 नंबर्स इक्वल गैप, 1 भी चाहिए 100 भी चाहिए दोनों चाहिए, तो आप क्या करोगे? 1 फ्रॉम 1 200 बाय लेंथ 40। लेंथ एंड बाय कैन नॉट बी यूज टूगेदर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल देती बाय 2, एरर आएगा। क्यों? आप जब लेंथ आपने बता दिया 40 वैल्यूज का, बाय कैसे अपने मन से मुझे बता सकते हो? बाय तो आर कैलकुलेट करके देगा। या तो आप बाय बताओ कि गैप क्या होगा, या आप लेंथ बताओ कि कितने एलिमेंट्स चाहिए, दोनों चीजें नहीं बता सकते। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि तुमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है लक्षिता, सीक्वेंस का ओके मैम। ये एरर तुमने भेजने के पहले तुमको खुद को दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है, ये हम लोग ज्यादा डिटेल में और इसके आगे जाएंगे नहीं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक वेक्टर क्रिएट करना है डी, जिसमें मुझे 0 रिपीट करना है 100 टाइम्स, क्या कर सकते हैं?
जीरो 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 लिखना है 100 टाइम, 0000000. तो क्या जीरो क्या हम लोग मैनुअली 100 टाइम्स डालें या 10 टाइम्स डालें? नहीं, देर विल बी अ फंक्शन ऑब्वियसली कॉल्ड रिपीट, REP. अगेन, एनी फंक्शन यू आर लर्निंग, प्लीज सर्च इट ओवर हियर, मेक इट अ हैबिट, गो टू दिस पोर्शन, रीड दिस, रिपीट एक्स. एक्स इज द वैल्यू दैट यू वॉन्ट टू रिपीट. एंड देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉन्ट टू रिपीट दैट? सो आई वॉन्ट टू रिपीट 0 10 टाइम्स. देखो, जब हम लोग यहाँ पे डी देखेंगे, डी में 0 0 आ रहा है कितने बारी? 10 टाइम्स. दक्ष, मैंने समझा दिया. बाय इज द गैप. बाय इज बेसिकली आपको कितना, बाय टू मतलब आपको दो 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 टू टू का गैप चाहिए. लेंथ इज कितने एलिमेंट्स चाहिए? लेंथ 40, मतलब 40 एलिमेंट्स इन टोटल चाहिए मुझे. ठीक है, अब लेट्स से सपोज हम लोग ना डिफरेंट वेक्टर्स को स्टडी करते हैं. लेट्स सपोज मैं एक्स में डाल रही हूँ 3, वाई में डाल रही हूँ 3. ठीक है, ये मैंने एक्स और वाई क्रिएट किया है. नाउ लेट्स सपोज इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, कैन वी क्रिएट वेक्टर आउट ऑफ वेक्टर्स? यस, यू कैन डू दैट. कैन वी क्रिएट वेक्टर्स आउट ऑफ वेक्टर्स? मतलब मैं क्या करी हूँ, एक्स कॉमा वाई, वॉट आर वी डूइंग? दोनों वेक्टर को कंबाइन कर दिया. एंड यू कैन ऑल्सो पुट इट इन जेड. तो देखो, दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया. ठीक है, यस यू कैन डू दैट डियर. देखो करके आता है कि नहीं, बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस. देखो, आर में ना एक चीज करने के 20 मेथड्स हैं, 20 मेथड्स हैं. तो आप कैसे भी करो, आपको कुछ फर्क, आपको आपको आउटपुट से मतलब है इधर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट लेट्स सपोज आई एम डूइंग समथिंग लाइक एक्स प्लस टू. तो एक्स प्लस टू करने से क्या होगा, टू आई एम एडिंग. अब यहाँ पे एक्स तो आपका क्या है, एक वेक्टर है जिसमें आपकी 3 वैल्यूज हैं. प्लस टू कर रहे हो तो क्या होगा, इंडिविजुअली हर एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा. लेट्स रन दिस एंड चेक. 1 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2.
सिमिलरली माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई क्या होगा? एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट ये ऐड होते जाएगा। ठीक है, देखो मैम, एक्स का फर्स्ट और वाई का फर्स्ट ऐड हो जाएगा। एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1 प्लस 4, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6। ओके okay. ठीक है, गॉट इट। अब एक चीज देखो, इसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं? सपोज आई एम राइटिंग एक्स ग्रेटर देन 2, सपोज आई एम राइटिंग एक्स ग्रेटर देन 2, तो अब यहाँ मैं क्या करूँ? रुक जाओ प्लीज, प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट। जब मैं बोलूंगी क्वेश्चन पूछना तब पूछना, बीच में मत इंटरप्ट करो। अंगद कटारिया, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। एक्स ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि अब आप इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज देखोगे कि वो ग्रेटर देन 2 है। अब मैं 1 ग्रेटर देन 2 करती तो क्या आता? कर्म ने किया, फॉल्स आता। अब यहाँ पे क्योंकि 3 वैल्यूज हैं तो 3 बार आएगा ट्रू या फॉल्स, हाँ कि ना? अब इसको रन किया हमने तो देखो, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, फॉल्स। 2 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 2, इट्स इक्वल टू, राइट, फॉल्स। 3 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू। गॉट इट? तो जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं, वैसे आप लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हो। पूछो आप क्या बोल रहे हो, उस पे आएंगे। केवान, वील कम टू दैट, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। अरे तुम क्या कर रहे, क्लास देख रहे कि कुछ और? तो हंस क्यों रहे इतना? ठीक है, गॉट इट? अब देखो, लेट्स क्रिएट अनदर वेक्टर, और लेट्स टेक जेड ओनली। जेड ये है, एक्स ये है, ठीक है ना? अब देखो जेड क्या है, 6 वैल्यूज है, एक्स में 3 वैल्यूज है। व्हाट इफ आई डू एक्स प्लस जेड? देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, बट 4 के साथ किसको ऐड करें? 5 के साथ किसको ऐड करें? 6 क्यों? 0 भाई, -10 भी हो सकता है, -इनफिनिटी। 0 कैसे आ गया? तो 0 क्यों? गलत। क्या होता है? द शॉर्टर वेक्टर विच इज दिस गेट्स रिसाइकल्ड। चलो कैसे, रन करो, एरर नहीं आएगा। इट गेट्स रिसाइकल्ड, मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3 हुआ। फिर ये जो 4 के साथ ढूंढने निकला तो नहीं मिला, तो रिसाइकल हो गया शॉर्टर वेक्टर, मतलब 4 प्लस 1 गिव्स यू 5, 5 प्लस 2 गिव्स यू 7, 6 प्लस 3 गिव्स यू 9। ठीक है, सो शॉर्टर वेक्टर गेट्स रिसाइकल्ड। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि शॉर्टर वेक्टर पूरा रिसाइकल हो गया, पूरा 1 2 3 एलिमेंट यूज किया हमने। बट लेट्स सपोज एक नया मैं वेक्टर बनाती हूँ, एक्स वाई जेड वी ले लेते हैं, जिसमें मैं डालती हूँ 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 4 वैल्यूज। इफ आई डू वी प्लस एक्स तो क्या होगा? देखो आपके वी में 4 वैल्यूज है, आपके वी में 4 वैल्यूज है, एक्स में 3 वैल्यूज है, तो
तो वी प्लस एक्स अगर करना होगा तो क्या होगा, 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 1 होगा, खाली एक ही बार होगा रिसाइकल, पूरा रिसाइकल, इट्स नॉट गेटिंग कम्प्लीटली रिसाइकल्ड, मतलब पूरा 2, 3 सारा वैल्यूज वापस यूज नहीं आ रहा, खाली एक ही वैल्यू वापस यूज आ रहा है. इन दैट केस ऑल्सो, इन दैट देखो क्या हो रहा है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग प्लीज लुक ओवर हियर, अदरवाइज बाद में ये सेम इश्यू आएगा. सो वॉट हैपन्स, यू आर गेटिंग द आंसर बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग अ वार्निंग मैसेज, एंड द वार्निंग मैसेज इज सेइंग दैट लॉन्गर ऑब्जेक्ट विच इज वी is not a multiple of short. You are getting the answer. How? 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 1. ठीक है, ये वाला 4 इससे ऐड हो रहा है, बट क्या हो रहा है, ये जो शॉर्टर वेक्टर है पूरा रिसाइकल नहीं हो रहा, पार्शियली रिसाइकल हो रहा है. 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स है बट खाली एक ही एलिमेंट दोबारा यूज आ रहा है, इसीलिए आंसर तो आ गया बट एक वार्निंग के साथ. वार्निंग को हम लोग यूजली इग्नोर करते हैं, ठीक है, हम लोग को इतना ध्यान नहीं देना वार्निंग पे. गॉट द पॉइंट्स, आर नॉट गेटिंग एन एरर, अनलेस एंड अंटिल यू गेट एन एरर, तब तक आप आना मेरे पास, वार्निंग आने से मेरे पास मत आना. ठीक है, सिमिलरली आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब कुछ कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये एक तरीका का वेक्टर हुआ, एक होता है नेम्ड वेक्टर बनाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे हमने एक वेक्टर बनाया एज, उसमें मैंने मान लो 3 लोगों के एज डाल दिए, ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये 3 लोगों के नेम्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रन एज, ऐसा आ रहा है, अब मुझे बताना है कि इनके नेम्स क्या है, लाइक हर एक एलिमेंट को मुझे एक नेम असाइन करना है, तो उसके लिए वील यूज अनदर फंक्शन कॉल्ड नेम्स. नेम्स ऑफ एज, नेम्स इज अ फंक्शन जिसके अंदर आई एम पुटिंग अ वेक्टर, एंड नेम्स ऑफ एज इज व्हाट, नेम्स ऑफ एज इज लेट्स सपोज एक्स, कुछ भी दे सकते हो, वाई, जेड, ठीक है, एंड रन दिस. द मोमेंट यू रन दिस, देखो क्या हुआ, न्यूमेरिक से नेम्ड न्यूमेरिक हो क्या, पहले न्यूमेरिक था खाली, नेम्ड न्यूमेरिक, क्योंकि नाउ इट्स अ named vector. So now if you run age, you will get something like this, x, y, z. उसके नीचे नीचे आपको क्या मिल रहे हैं, values मिल रहे हैं, ठीक है. और अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, ठीक है ना, अब लेट से सपोज इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो, हाँ इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो, इसका स्ट्रक्चर देखो, खाली नंबर नहीं आ रहा, नेम्ड नंबर आ रहे हैं, नेम न्यूमेरिक, दीज आर द वैल्यूज एंड दीज आर द नेम्स, दीज आर द नेम्स, ठीक है, इसको करो यहां तक. वॉट इफ मैं ऐसे करती, अब देखो एरर कब आता है, जब आप ये सब गड़बड़ करते हो, अब यहां पे मैं ना एक और डाल देती, वी, वैल्यूज 3 है, नेम्स कितने डाल रहे हैं, 4, तब आपका एरर आएगा. अब ये रन भी नहीं हुआ और एरर आ गया, कि कैसे नेम्स एट्रीब्यूट 4, मतलब ये जो वैल्यू 4 है, मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ एज वेक्टर व्हिच यू आर यूजिंग व्हिच इज 3, ठीक है.
ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे दैट इज इंडेक्सेशन। बेसिकली ये समझेंगे कि अगर आपके पास बड़े बड़े वेक्टर्स हैं, सो हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम दोज वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये जेड है, ठीक है, या फिर मान लो एज है, एज ही ले लो, या एक मैं नया क्रिएट कर देती हूँ, चलो एक नया क्रिएट कर देती हूँ, वाई। ठीक है, रैंडमली आई हैव क्रिएटेड वन। नाउ आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द थर्ड एलिमेंट इन वाई। कैसे करेंगे? वाई वी यूज दिस इंडेक्सेशन के लिए दिस ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस ब्रैकेट कमिंग फ्रॉम। ये वन, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट था वन, यहाँ पे भी ऊपर में 119 वाला जो स्क्वायर में ब्रैकेट था, अब इसके अंदर मैंने लिखा 3, आउटपुट क्या आ रहा है? 23। तो हो क्या रहा है? थर्ड एलिमेंट आपका वाई में से एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर देन वन वेरिएबल टूगेदर। तो आप क्या करोगे? इफ यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर देन वन वेरिएबल टूगेदर, तो आप अगेन मने थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप 3,4 लिख के रन करोगे तो एरर आएगा। आप क्या करोगे? हमने क्या किया है, साथ में मल्टीपल वैल्यू साथ में लिखने के लिए वेक्टर बनाया है, तो वेक्टर के फॉर्म में ही तो डालेंगे इसको, वेक्टर के फॉर्म में ही तो डालेंगे इसको। ये क्या है? ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है ना, यस और नो? ये एक वेक्टर है कि नहीं? अब हम लोग ये वेक्टर, मतलब इस वेक्टर में क्या वैल्यूज है? 3 एंड 4। अब इसको रन करो तो आपका थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर देन। और क्या तरीका हो सकता था थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने का? कौन बोलेगा? 3:4, 3:4 भी तो एक तरीका है ना वेक्टर बनाने का। तुम इंडेक्सेशन वाला ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे के नहीं लिख सकता है, एक वैल्यू डालना पड़ेगा। जैसे तुम ये 3 डाला, बट एक 3,4 लिखने का क्या मतलब था? गलत हो रहा था। तो हमने क्या किया? हमने सी 3,4 एज अ वेक्टर वी हैव पुट इन। यस, करेक्ट। कॉन्जिक्यूटिव यूज करना होगा तो ही कोलन, वरना तुम ये वाला चीज यूज करोगे, सी वाला। सीक्वेंस भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। इसके अंदर इनफैक्ट अलग वेरिएबल भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एक्स, एक्स में क्या देखो? 1, 2, 3 है, एक्स में 1, 2, 3 है, फर्स्ट 3 वैल्यूज आ गया। ठीक, एक और चीज कर सकते हैं। आपको ऑल वैल्यूज चाहिए? यहां से कट रहा है स्क्रीन, इन लोगों को नहीं समझ आ रहा। आपको ऑल वैल्यूज चाहिए एक्सेप्ट फोर्थ, तो क्या करेंगे? -4। अब क्या होगा? 1, 2, 3 एंड ये आएगा, ये 78 नहीं आएगा आपका। इसको रन करो, 78 के बदले सब आ गया। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख लो, ठीक है, अपने स्क्रीन पे देख लो, इसको करो, याद रख लो, है तो यस लिखना चाहोगे। ठीक
माइनस फोर में लास्ट फोर वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं? 78 थोड़ी आ रहे हैं. माइनस फोर में फोर्थ वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यूज आ रहे हैं, एक्सेप्ट फोर. माइनस फोर कर दिया, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट फोर वी आर गेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए था थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज छोड़ के बाकी वैल्यूज चाहिए, तो क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड. वाई माइनस सी 3,4. सो एक्सेप्ट, क्या नहीं वैसे नहीं कर सकते. सो एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3 एंड 4 यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज. कर सकते हैं. सी अगेन, मैंने क्या बोला, 20 वेज टू गेट थिंग्स, राइट? बट समटाइम्स सिंस आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, समटाइम इट्स देर इज अ मेथड or there is a way of, you know, writing good codes, user-friendly good codes. Being a good programmer, you need to write good codes. You cannot write weird codes, hai na? Which makes things weird. Just because wo aa raha hai, ya just because waise aa sakta hai, bahut cheeze hoti hai. Kabhi kabhi hota hai ki mere method correct nahi, I learn from student ki, acha haan, ye method sahi lag raha hai. But unnecessary methods, nahi. It should make some sense. Got it? ये हो गया. नाउ लेट्स सपोज मुझे चाहिए ऑल दोज वैल्यूज. मुझे अब एग्जैक्टली एलिमेंट्स नहीं पता, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट. आई वॉन्ट ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 40. आपको स्पेसिफिकली नहीं पता, मान लो 100 वैल्यूज है, यहाँ पे तो 5 है, 100 वैल्यूज है, उसमें से मैं बोल रही हूँ मुझे ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 45 चाहिए. तो क्या करेंगे, वाई ब्रैकेट के अंदर, ध्यान देना, y greater than 40. इसका क्या मीनिंग होगा, y greater than 40, if I just run this part, what will happen? False, 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 true, true, ऐसा आएगा आउटपुट. ये आउटपुट आ रहे हैं. अब ये जो आउटपुट आ रहे हैं, इसमें से जो फॉल्स वैल्यूज हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी, खाली ट्रू वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. मतलब 78 और 96 खाली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 78 और 96. If let's say suppose you need all those values, if let's say suppose you need all those values which are between, इस केस में ना, which are between 20 and 40, तो कैसे करेंगे? 20 and 40, क्या करेंगे? y greater than 20 and y less than 40. क्या होगा, कितने वैल्यूज आएंगे? अब खाली इस पार्ट को रन करो तो क्या आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. अच्छा, ग्रेटर देन 20 लिया ना मैंने, 30 कर दो इसको, ठीक है, जो भी, वट एवर, अंडरस्टूड. अब इसको रन करेंगे तो पहला 3 वैल्यूज आ गया, फिर सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू वैसे भी करके कर सकते हो. क्लियर है?
ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं नेम्ड वेक्टर, लेट सपोज ये एज वाला था, ये था, मैंने अब यहाँ पे खाली तीन वैल्यूज है, अगर बहुत सारे वैल्यूज होती मैं पूछती आपसे कि व्हाट इज द एज ऑफ जेड, तो कैसे निकालते, एज इज अ वेक्टर, उसके अंदर आप 3 लिख के निकाल सकते हो 25, क्योंकि आपको दिख रहा है, बट बहुत वैल्यूज होंगे तो आपको ऐसे ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगा कि एग्जैक्टली थर्ड एलिमेंट है, सेकंड है, फिफ्थ है, 100th है, 99th एलिमेंट है, तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट सेट कोट्स में, तो वो जेड के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखो यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल वैल्यूज, एक्स का बता दो, जेड का बता दो। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज अगर करना है, क्लियर, एक बार यस नो लिख दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट टिल हियर। कभी भी आर प्रोग्रामिंग जब करोगे, कोई भी नया फंक्शन आएगा ना, प्लीज मेक इट अ हैबिट हेल्प टैब में जाके सर्च करना, बिकॉज आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, CS1 में फिर भी बहुत लिमिटेड है, CS2 में जब आप जाओगे एन नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कभी कोई नया फंक्शन आ जाए, जो होता है CS2 में कभी कभी, तो आपको घबराना नहीं है, कोई घबराता नहीं है, जो स्टूपिड इंसान है वो घबराता है। आपके पास हेल्प टैब है, यू जस्ट हैव टू गो एंड टाइप द नेम ऑफ द फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पेस्ट फंक्शन, वेरी सिंपल, जस्ट गो एंड प्रेस पेस्ट, आपका देखो ये आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। पेस्ट डॉट 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 इज वन और मोर आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज आर ऑब्जेक्ट्स, वेक्टर्स एक्स वाई जेड दैट वी आर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, उसको हम लोग एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, वेरिएबल्स नहीं बोलते हैं, सेपरेटर। ठीक है, अ कैरेक्टर टू सेपरेट द टर्म्स, तो यहाँ जो भी आप टर्म्स लिखोगे उसको सेपरेट किससे करें, अगर फिर भी नहीं समझ में, थोड़ा नीचे जाओ, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखो दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, पेस्ट 1 से 12, इसको रन करके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, तो दे हैव गिवन यू, देखो पेस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देर इज अ सेपरेटर कॉमा, इसको रन करके देखो, इसको कॉपी कर लो उधर, रन करके देखो क्या आ रहा है, बेसिकली क्या आएगा, फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप घबरा रहे हो, मतलब आपको कुछ आता नहीं है, आप एकदम आपने रट लिया है चीजों को, जस्ट रन दिस फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड, यस और नो, आ रहा है? तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, एंड कॉमा प्लस स्पेस है, अगर आप देखो सेपरेशन में कॉमा एंड स्पेस है, तो कॉमा स्पेस, अगर स्पेस नहीं देंगे एंड स्ट्रेट अवे ऐसे रन करेंगे तो देखो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप नए नए फंक्शंस सीखते हो। यू ऑल कैन सेव द स्क्रिप्ट, क्रॉस करना, सेव का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कर देना। फर्स्ट टू क्लासेस प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, थर्ड क्लास कैसे होगा वी विल इन्फॉर्म यू ऑन द क्यू फोरम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।